इन लोगों से दमाद जो है ना, दमाद वो उड़ चुका है। वादे करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं वादे, लेकिन उस वादे के मुताबिक पूरा नहीं उतरते ये लोग। जाने कभी ये लोग सही होंगे, हमारा मुल्क सब दुनिया से बड़ा सलामी मुल्क है हमारा पाकिस्तान। जब हुक्मरान ही अवाम का नहीं सोचेंगे तो अवाम किसके सामने अपना दुख और दर्द बयान करेगी? जो आप देखो पास सुनो, अब किसी का बिल आया 30,000 रुपया, ठीक है, बिजली का, वो खाना पीना तो ले रहा, वो तो बात आदमी वाकई भी सो जाता है। अब वो कहाँ देते, उसको बोलते हैं ये तुझे अदा करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। इसके बारे में इन्होंने डैम एक नहीं बनाया। इमरान खान के दौर में वो पहले आया था जज, क्या नाम जज था आपको उसका, नाम का नाम पता होगा जज का, डैम बनाओ मुल्क तुम्हारो, डैम बनाओ मुल्क। इन लोगों ने इतना रुपया फंड मिला, ये मिला वो मिला, इन लोगों ने डैम बनाया जी। अगर ये लोग डैम बना लेना, इंडिया में क्यों इतनी महंगाई नहीं है, वहाँ पे डैम बने हुए हैं, जहाँ जहाँ पे उन्होंने डैम बनाए हुए हैं, अगर वो पानी जोड़ देना इंडिया आपका मुल्क सारा ही रुड़ जाता है। ठीक है, आप हुकूमत के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं? यही देना चाहता हूँ, जैसे उन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी अपनी, जैसे वो 12 इमाम ने वो मलाने घर बना के शहीदों ने ज़िंदगी गुजारी, वैसे ही ज़िंदगी गुजारे। आरस वो है, ये नहीं है, ये झूठा साहब उला जो है ना, उला वो भी साथ नहीं देती है। ये दौर वैसा आ गया, अब आप ही बताएं हमें किससे इंसाफ मिलेगा। अब मेरी 5 बेटियां हैं और मैं संभालने वाला हूँ, अब इससे ज्यादा मैं बेगाव आपको क्या लूं। वो बाहर होता है, मुझे बाहर है, मुझे बाहर है, मैं कहाँ मिलूँ, चलो कुछ ना कुछ लेके जाऊँगा। और अल्लाह का शुक्र अदा कर दो, इन लीडरों को अल्लाह तला ने के ये डाल दी। आप बैंक में जाए, आपको एक रुपया कोई करता नहीं देगा। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, शदीद मुश्किलात का शिकार है, इनकी 5 बेटियां हैं और ये अकेले कमाने वाले हैं, और जितने परेशान हैं आप खुद देख सकते हैं।